सीधा प्रसारण आप भूटान के थिम्पू से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय भूटान दौरा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, दोनों देशों के संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए हम प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों के बारे में कहा कि इस सम्मान के लिए मैं भूटान का आभारी हूँ। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भूटान के लिए भारत के परिवार के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा अपने संबोधन में कि हमारा संबंध और मित्रता अटूट है। दोनों देशों के संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा आपसी सहयोग और विश्वास अटूट है। दोनों देशों के संबंध पारंपरिक भी हैं और नवीन भी हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही विशेष है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत और भूटान साझी विरासत का हिस्सा हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो बड़ी बातें कहीं, उनमें ये भी कहा कि भारत वो पावन भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध को बौद्धत्व प्राप्त हुआ था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध की विरासत को भूटान ने संरक्षित किया है और दोनों देशों के बीच अटूट संबंध है, विश्वास के संबंध बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, मुझे खुशी है कि भूटान की विरासत को आधुनिकता के साथ संरक्षित किया है। पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भूटान ने कोरोना के दौरान भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आज दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भूटान ने विश्व को ग्रॉस विजनरी जैसा फ्रेमवर्क दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबोधन की ये बड़ी बातें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हमारी घनिष्ठता का आधार B2B के साथ ही P2P भी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर जोर देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा, अगले 5 सालों में भारत भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री के संबोधन की ये बड़ी बातें हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा, भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता पर भूटान के लोगों ने भी उतनी ही खुशी मनाई थी। दोनों देशों के संबंध को अटूट कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, रेल, जल, एयर कनेक्टिविटी के साथ ही भूटान अब स्पेस में भी हमारा साथी है। इसके साथ ही अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, भूटान ने इसरो के साथ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें, जहां पर प्रधानमंत्री ने ये जो साझा संबंध हैं, इन पर लगातार आगे बढ़कर मिलकर काम करने की उम्मीद भी जताई, आशा भी जताई। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए TD न्यूज। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर,
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको किस तरह से बढ़ती जा रही हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी को सीएम के पद पर नहीं बने रहना चाहिए। तो केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दायर की गई है। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है और जिन्होंने दाखिल की है वो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो बढ़ती ही जा रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और इसी मामले पर हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, ये जो मुश्किलों का दार है इसमें एक और बड़ी मुश्किल, अब पीआईएल दाखिल कर दी गई है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, पीआईएल एक एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, उन्होंने दाखिल की है। हालांकि इससे पहले भी वो एक जनहित याचिका लेकर गए थे हाईकोर्ट में, इसी तरह जुड़ी उनको कहा था कि आप कुछ चीजें कोर्ट में मत लाइए, वो पब्लिक पे छोड़ दीजिए, जनता होशियार है, वो क्या कर सकती है। रमा, इसमें भी इन्होंने याचिका में ये कहा है कि केजरीवाल के ऊपर एक वित्तीय अनियमितता का आरोप है, इसीलिए वो उनको उस पद पे बने रहने नहीं देने चाहिए। लेकिन ये अभी मामला क्योंकि पूरी तरह से हम कहें कि अभी तो सुनवाई चल ही रही है इसमें, और जाहिर है कि अगर उनको लंबा वक्त तक जुडिशियल कस्टडी में रहना होता है तो वो वैसे भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह पाएंगे। अब लेकिन इसमें हाईकोर्ट एक जनहित याचिका के जरिए क्या कर सकता है, कौन सा आदेश दे सकता है, किस रिट इनकी रिट में क्या मांग की गई है, वो सब जब याचिका पर सुनवाई होगी तो स्पष्ट होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो बड़ा विषय है वो यही है कि क्या केजरीवाल इस पद पर बने रह सकते हैं अगर उनको आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलती है, क्योंकि बाध्यता भले ही कोई कानूनी ऐसी नहीं है कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल इश्यूज हैं कि कैबिनेट मीटिंग कैसे होगी, जो कि सबसे जरूरी कदम होता है सरकार को चलाने को लेकर के, उनको बार बार पैरोल नहीं दी जा सकती, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई मीटिंग के लिए इस तरह की परमिशन नहीं दी जा सकती, जेल मैनुअल में कोई विशेष प्रावधान नहीं है किसी विशेष पर उनको जुडिशियल कस्टडी में लंबा समय बिताना पड़ता है। लेकिन इसमें जनहित याचिका के जरिए क्या वो क्या चाहते हैं याचिकाकर्ता, हाईकोर्ट से किस तरह का इंटरवेंशन चाहते हैं, ये सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा। बिल्कुल, विकास आपसे ये भी समझना चाहेंगे, उन्होंने मांग की है जिस तरह की वित्तीय अनियमितता है उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए। इसमें हम ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जो पहले इस तरह के मामले आए हैं या इस तरह के जो पहले मुख्यमंत्री है जिन पर इस तरह के मामले आए हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो ये जो मामला है ये अपने आप में अलग है। इस तरह की याचिका पर कोर्ट क्या कुछ संज्ञान ले सकता है, किस तरह से इस पर विचार कर सकता है, इसके बारे में क्या कुछ आप बता पाएंगे? बिल्कुल यही बात रमा यहाँ पर कि कोर्ट के पास, कोर्ट आखिर क्या कर सकता है जो मांग रहे हैं वो जनहित याचिका के जरिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अंततः अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो जाहिर है वो न्यायिक हिरासत में जेल में समय काटना पड़ेगा उनको, और ऐसे में एक प्रैक्टिकल इशू यहाँ पे पैदा होगा, प्रैक्टिकल समस्या पैदा होगी कि सरकार का कामकाज कैसे चलेगा, तो वो वैसे भी बने नहीं रह सकते इस पर। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप अन्य मामलों में देखें जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई, चाहे अर्जुन मुंडा का मामला देखें, वहां पर उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। यहाँ पर ये एक कहना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी, जब वो बार बार ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टैंड है लीगल से ज्यादा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लीगल बाध्यता सीधे सीधे कोई नहीं है, लेकिन ये भी असंभव है कि आप जेल में रहते हुए एक सरकार चला लें, तो वो एक इसको एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। प्रैक्टिकल समस्याएं इसमें आएंगी और उसके बाद कुछ हटना पड़ेगा अगर उनको आने वाले दिनों में राहत नहीं मिलती है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पीआईएल के जरिए हाई कोर्ट इसमें ऐसा क्या कर सकता है ये याचिका करता ही बेहतर बता पाएंगे, जब बिल्कुल वो आर्ग्यू करेंगे कोर्ट में। बिल्कुल, कई तरह के जो कानूनी प्रावधान हैं और कई तरह के पेच हैं, लेकिन जो मुश्किलें हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुक्रिया विकास पूरी जानकारी के लिए। और शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। उनकी रिमांड पर सुनवाई जारी है। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत मांगी है, साथ ही
सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड भी बताया है। ईडी का कहना है कि नई आबकारी नीति इस तरह बनाई गई थी कि इससे रिश्वत लेने और रिश्वत देने का रास्ता खुल सके और लोगों से पैसा वसूलने में आसानी हो। ईडी ने कहा कि सीएम सीधे तौर पर आबकारी नीति बनाने में शामिल थे। ईडी का कहना है कि सीएम अपराध से होने वाली आय को संभालने के साथ साथ गोवा चुनाव अभियान में भी शामिल थे। आरोपी विजय नायर केजरीवाल के नजदीक की दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को दिए गए नए घर में रह रहा था। नायर ने साउथ ग्रुप और आपके बीच बिचौलिए का काम किया था। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले रहे हैं तो उन्हें इस पर एतराज नहीं है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी निचली अदालत में रिमांड कार्रवाई लंबित होने का हवाला देकर याचिका वापस ले रहे हैं, ये दलील गलत है। तुषार मेहता ने कहा कि मैंने ईडी को कहा था कि जब तक केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल को निचली अदालत में पेश कर रिमांड की मांग नहीं की जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ईडी के दफ्तर से मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपके पास आना चाहेंगे, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुनवाई लगातार जारी है, क्या जानकारी इस बारे में मिल पाई है? हमारे संवाददाता तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई है, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे फिर से, लेकिन हम आपको बता दें कि सुनवाई जारी है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। कुमार आलोक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है, किस तरह से सुनवाई चल रही है? कुमार आलोक, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह की जानकारी आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? तो शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में की गई और सुनवाई वहां पर लगातार जारी है। उनकी रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत मांगी है, साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को इस मामले का मास्टरमाइंड भी बताया है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल पा रही है, क्या कुछ ईडी का कहना है? देखिए, दोनों पक्षों से जो पक्ष रखना था वो पहले ईडी ने अपना सारा जो आरोप था उस उन आरोपों को वहां पर रखा, और उस उन आरोपों को रखने के बाद जो केजरीवाल की ओर से जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं उन्होंने अपनी दलीलें रखी, और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी यहां से चले भी गए हैं। और उसके बाद अब ईडी को जो अभिषेक मनु सिंघवी या केजरीवाल की तरफ से जो कहा गया है, जो दलीलें पेश की गई है, वो ईडी के सामने कोर्ट रखेगी और ईडी उस पर क्या फिर अपना मंतव्य देती है और उस पर फिर कोर्ट उस ऑर्डर को रिजर्व करेगा। और मुझे लगता है कि कम से कम 10 या 15 मिनट और लगेंगे जब फाइनल जो रिजल्ट आ जाए। हमारे साथ धीरज हैं। धीरज, क्या क्या लगता है कि जो रिमांड 10 दिनों का जो रिमांड मांगा गया था ईडी की ओर से कोर्ट से, उसमें क्या लगता है, क्या संभावनाएं क्या लग रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जैसा कि जो कानून के जानकार हैं बता रहे हैं कि दोनों तरफ की दलीलें लगभग पूरी हो गई है, अब मामला जो है विचाराधीन है। अब जो कोर्ट में जो बात रखी गई है उसके मुताबिक ये फैसला अब जज को सुनाना है कि इस मामले में क्या होगा। और जैसा कि जानकार बता रहे हैं कि जो फैसला कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा उससे पहले एक बार फिर ईडी से बातचीत की जाएगी कि इस तरीके के जो तर्क दिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, इस तर्क के पीछे इसके बारे में आपको कुछ कहना है। लेकिन एक बात तो सच है कि
जो साउथ का जो कनेक्शन है, के कविता का कनेक्शन जो है वो अरविंद केजरीवाल से जोड़ने की पूरी कोशिश ईडी की तरफ से हुई है। और इसमें ये बताया गया है कि ये जो नायर जो है विजय नायर इसमें मुख्य भूमिका में रहा है। और विजय नायर के बारे में ये कहा गया है कि वो जो कैलाश गहलोत जो यहाँ का मंत्री था उसके आवास पे रहता था, और जब वो चाहता था तब वो मुख्यमंत्री से बातें करता था। तो विजय नायर की भूमिका इस मामले में पूरी की पूरी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ईडी के जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जब कोर्ट में आते हैं वीएस राजू, उन्होंने साफ तौर पे 28 पेज का एक जो होता है कि तर्क अपना पेश किया, 28 पेज अपना तर्क पेश किया, और उन्होंने कोर्ट में साफ तौर पे बताया है कि हमने केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया, एक विवरण दिया, विवरण गिरफ्तारी का जो विवरण है उसने सामने पेश किया। जो कोर्ट में दो सबूत भी पेश किए गए हैं, एक सबूत विजय नायर का है, दूसरा सबूत राघव रुंगटा है उनका भी पढ़ा गया है। उसमें भी कई तथ्यात्मक खुलासे हुए हैं जिसमें बताया गया है कि दो किस्त में ये पैसे लिए गए और इस पैसे को गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। और साफ तौर पे कहा गया कि 45 करोड़ रुपये जो लिए गए हैं वो किस तरीके से लिए गए हैं और किस तरीके से उसको खर्च किया गया है। तो ईडी के पास भी पर्याप्त सबूत है और आम आदमी पार्टी के वकील भी अपनी तरफ से पर्याप्त सबूत आम आदमी पार्टी को बचाने, केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामला विचाराधीन है, देखिए 10-15 मिनट में फैसला आएगा। तो 10-15 मिनट के अंदर काफी बहुत कम समय है जब केजरीवाल के पॉलिसी के बारे में फैसला होगा। और जो पिछली इसी केस में जो आलोक आपके पास आएंगे, सेम प्रोसेस आपके पास आएंगे। मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ ईडी ऑफिस पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुकेश आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ईडी ने तमाम दलीलें रखी हैं, किंगपिन बताया है उन्होंने इस पूरे मामले का अरविंद केजरीवाल को, इसके साथ उनके साउथ कनेक्शन का भी जिक्र किया है और जो 10 दिन की उन्होंने उनकी हिरासत भी मांगी है। इसे देखते हुए क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है, किस तरह का जो फैसला है वो आ सकता है और क्या कुछ वहां पर, वहां से आप जानकारी हमें देना चाहेंगे? बिल्कुल रमा, इस समय मैं ईडी मुख्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो उनका मेन गेट है वो मौजूद है, जहाँ कल से जो उनकी पूछताछ चल रही थी अरविंद केजरीवाल की। अभी राउस एवेन्यू में उनकी वहाँ पर पेशी हो रही है और वहाँ पर उनके वकील जो हैं वो दलील पेश कर रहे हैं। और जहाँ पर ईडी ने अपोज किया है कि एक चीफ मिनिस्टर के कितने लॉयर होंगे, कितने लोगों को हमें एक्सप्लेन करना होगा, साथ ही साथ रमेश गुप्ता उनके वकील हैं, उससे पहले अभिषेक मनु सिंह जो थे वो वहाँ पर दलील पेश करके गए। तो ईडी साफ तौर पर 10 दिन की रिमांड मांगती है कि कविता के बारे में जानना चाहेगी कि कितना पैसा उन्होंने दिया, 100 करोड़ की जो डील हुई इसमें कौन कौन शामिल थे, उन्होंने कहा कि कई हाथों से पैसा होकर के गुजरा, तो वो कौन से कई हाथ थे जिनका नाम वो बताना चाहते हैं, जिनका नाम ईडी जानना चाहती है। साथ ही साथ ये जानना चाहती है साउथ कनेक्शन क्या है, गोवा में जो चुनाव प्रचार में पैसा खर्च हुआ क्या ये वही फंडिंग का पैसा था जो गोवा में इस्तेमाल किया गया चुनाव के दौरान। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर ईडी उनसे लगातार सवाल कर रही है। कल उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी वो आए नहीं आर्ग्यूमेंट में, जिस तरह से वो जांच करना चाहते थे, उनसे बातचीत करना चाहते थे। तो ईडी उनसे 10 दिन की यहां पर लेगी कस्टडी और उसके बाद आगे की जो है वो चीजें साफ होंगी, लेकिन उनके जो क्वेश्चन हैं उन पर वो कहीं ना कहीं रोशनी डालना चाहेगी और इनके सवालों के जवाब लेना चाहेगी। इससे पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया से लिया था, इससे पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन से पूछा था, संजय सिंह से पूछा था। तो ये वो नेता हैं जो ऑलरेडी बिहाइंड द बार हैं, कस्टडी में हैं। और इसके बाद अब जो किंग पिंग का नाम दिया गया, केजरीवाल को इनका मुखिया बताया गया, और लगातार केजरीवाल जो वो अपने आप को साफ छवि के नायक कहते थे, कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल होती दिखाई दे रही है। और दिल्ली वासियों का जो उन्होंने विश्वास लूटा या विश्वासघात किया है वो देखने को यहां सामने आया, क्योंकि सभी लोग आहत हैं। जनरल पब्लिक में भी बात करें तो किसी को भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल भी ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले वो पोस्टर को लेकर के सुर्खियों में थे, मार्शल्स उन्होंने डिप्लॉय किए बसों में, वो नहीं मिले, सीसीटीवी का पूरी दिल्ली में लगा देंगे, वो नहीं दिखाई दिए, कुछ जगहों पर दिखे उसके बाद वो भी नहीं मिला। तो लगातार वो वायदे करते गए लेकिन वायदे पूरे फुलफिल नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर वो केंद्र की बात करें तो केंद्र जब सीए बिल लेकर के आई तो ये कह रहे थे कि इस बिल से आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है, तो वो लगातार सरकार की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाते थे और दूसरे लोगों को भी बरगलाते थे। यहां लेकिन घोटाले को लेकर के जब उनकी तस्वीर साफ हुई, दसवां सम्मन लेकर के कल ईडी जब उनके घर पहुंची, 7:15 के आसपास का समय था, तब भी वो वहां पर कॉपरेट नहीं कर रहे थे, लगातार वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, ईडी की उस जांच को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उन्हें ईडी मुख्यालय लेकर के आया गया था और यहां काफी घंटों तक
उनसे बातचीत की गई। आज उनको दिन में पटियाला कोर्ट पेश किया गया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने विड्रॉल कर लिया अपनी एप्लीकेशन से, उसके बाद वो राव से उन्हीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं उनके गले की फांस बच चुका है, उनको वो तमाम चीजें बतानी होगी। और कुछ लोग सूत्रों के हवाले से ऐसा हो रहा है कि वो सरकारी गवाह भी बन सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ कुमार आलोक भी बने हुए हैं। कुमार आलोक, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह से पूरे इस प्रोसेस में असहयोगात्मक रवैया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का देखने को मिला है, उसके साथ ही जिस तरह के अगर डिसीजन कहें कल शाम से हम देख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, पहले वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं, फिर खुद ही उसको वापस भी ले लेते हैं, उसके बाद अब लगातार जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से ईडी ने तमाम बातें सामने रखी हैं, क्या कुछ लगता है कितना शिकंजा उनके ऊपर कसता जा रहा है? और इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप बता पाएंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं, क्या कुछ जवाब रखा गया है? ये ईडी की जो दलीलें थी वो हमने आपको बताया था, और अभी अभी आप समझ सकते हैं कि पाँच या दस मिनट के अंदर पूरा फैसला आ जाएगा। हम जानना चाहेंगे धीरज कि अभिषेक मनु सिंघवी और जब तीन वकील अरविंद केजरीवाल की ओर से रखे गए थे, तो इन तीन वकीलों ने क्या प्रूफ दिया या क्या दलीलें पेश की कोर्ट के सामने? देखिए, जो कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की, ये कोशिश रही है कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से बचाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई दरवाजा बचा नहीं था। कल जबकि हाईकोर्ट ने 2:30 बजे अपना फैसला सुनाया, उस फैसले में उन्होंने साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल को कहा कि आपको ईडी के सामने पेश होना होगा। उसके बाद ईडी की जो है रिमांड तेज होती है और शाम में 7 बजे शाम में जाकर गिरफ्तारी होती है। इसके बाद जबकि ईडी की जो ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू आते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर केजरीवाल के कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश की है, और जैसे कि उसके दलील में कहा गया है जो परत दर परत जो कनेक्शन है उसको जोड़ने की पूरी कोशिश हुई है, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि कैसे साउथ का कनेक्शन अरविंद केजरीवाल के साथ बैठता है, और जिसमें एक जो भूमिका है, एक जो दस्तावेज है, वो राघव मुंगटा का भी पढ़ा जाता है ईडी के सामने, ईडी की तरफ से। और उस दस्तावेज में ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल विजय नायर के जरिए 100 करोड़ रुपए साउथ से चाहते थे। इस तस्दीक को, इसको प्रूफ करने के लिए जो राघव मुंगटा के जो पिता पुत्र हैं वो दोनों पेश हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि साउथ से 100 करोड़ रुपए की पेश। अभिषेक मनु सिंघवी का ये भी, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी दलील दी कि ये जो अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई ईडी के द्वारा हुई है वो पूर्ण रूप से राजनीतिक साजिश है। बिल्कुल, आपने सही कहा, देखिए आम आदमी पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, अरविंद केजरीवाल जो शराब की नीति सी है वो पूरी तरीके से बाहर है, अरविंद केजरीवाल कोई पोर्टफोलियो नहीं रखते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को इसमें घसीटा जा रहा है, वो बार बार कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जो इनके जो आम आदमी पार्टी के जो तीनों वकील है, तीनों वकील की तरफ से भी इस तरीके की दलील दी गई है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो अब जबकि कोई पोर्टफोलियो नहीं रखते हैं तो उनको कैसे इसमें घसीटा गया है। जबकि ईडी ने, अगर मास्टरमाइंड की बात करें तो ईडी ने एक तरीके से अपनी दलील में अरविंद केजरीवाल को इसमें मास्टरमाइंड घोषित करने की जो कोशिश कर रही है, और इसी तरीके की साक्ष्य ईडी जुटाने में लगी हुई है कोर्ट के सामने। इसके अलावा ईडी के पास जो गया जी, नहीं नहीं बताइए कुमार आलोक, आप क्या साझा करना चाहते हैं? मैं कह रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी और दो और जो वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें पेश की हैं, जिसमें कि तमाम तरह के डिफेंस अरविंद केजरीवाल के पक्ष में डिफेंस के बिंदु वहां पर उन्होंने पेश किया है। तो अब ईडी उस पर देखेगी कि ये जो बचाव पक्ष है, यानी अरविंद केजरीवाल के जो पक्ष के लोग हैं या पक्ष के जो वकील हैं, उनमें आपको क्या कहां ऑब्जेक्शन है और आप इसमें क्या इसके ऑब्जेक्शन है, क्या सुझाव है, उसके बाद फिर जाएगी कोर्ट के पास, ये जाएगा और कोर्ट उस पर फिर, पहले तो कोर्ट ऑर्डर को रिजर्व करेगा और ऑर्डर को रिजर्व करने के बाद फैसला देगा। तो जो यहां संभावनाएं जताई जा रही है, जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि इन केसेस में सेम केसेस हुए हैं जिसमें कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे लोग जेल में हैं, और सेम के कविता सेम प्रोसेस में वो जेल में है और उन्हें रिमांड दिया गया कोर्ट के द्वारा ईडी को। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जब सेम केसेस में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं तो फिर
कोर्ट दे सकता है रिमांड पर ईडी को अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, और इसके साथ ही जो ईडी के जो पांच प्रमुख आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं, चाहे वो ये हो कि नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठी हुई थी वो मुख्यमंत्री ही बुलाते हैं, उनके घर पर भी इस तरह की बैठक हुई थी। इसके साथ ही जो मार्जिन प्रॉफिट है वो 6-12% की मंजूरी भी मुख्यमंत्री ने ही दी थी। साथ ही आपके पास 338 करोड़ रुपए शराब माफियाओं के जरिए पहुंचे, ये भी ईडी ने कहा। और जो आरोपी है समीर महेंद्रू, उसका केजरीवाल के खिलाफ जो बयान दिया गया है, ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं और उससे किस तरह का रुख जो है वो पलटता दिखाई देता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुकेश शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब तक इस पूरे मामले में जिस तरह से असहयोगात्मक रवैया, जिस तरह से हम बार बार बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रहा है, और उसी के साथ जो ईडी के गंभीर आरोप हैं उनको देखते हुए, इस तरह के पूरे मामले को देखते हुए, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, किस तरह से सुनवाई चल रही है, किस तरह से ये जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती है और फैसले का सभी को इंतजार है? बिल्कुल राहुल, समझिए उसे कुछ ही देर में रमा जो है वो पूरी की पूरी वहाँ पर जो दलील है वो पेश हो जाएगी, और मेरे को लगता है आधे घंटे से ज़्यादा का समय ऑलरेडी हो चुका है, अप्रॉक्स 1 आवर माना जा रहा था कि सारी की सारी दलील वहाँ पेश कर देंगे केजरीवाल के वकील। अगर ईडी के वकीलों को या ईडी को उसमें कोई भी सवाल करना है या उनका कोई वहाँ पर सवाल होगा तो वो उसको वहाँ रेज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ ज़रूर रेज किया था कि कितने वकील केजरीवाल लेकर के आएंगे, क्या क्या वो सवालों से बचना चाहेंगे। वो सीधे सीधे मांग रहे हैं कि उनको 10 दिन की यहाँ पर रिमांड दी जाए जिससे वो अपनी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा कर सकें, जो ईडी के पास सवाल हैं उनके जवाब वो एक बार केजरीवाल से ले लें, उसके बाद वो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। और जिस तरह से कल हाईकोर्ट ने उनको सुरक्षा देने से मना कर दिया था, यानी इसका इशारा साफ था कि उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा, और उसके बाद भी वो बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप भी देखिए, आप ये रावत एवेन्यू यहाँ पर जो ईडी मुख्यालय के बाहर की ये है सरगर्मियाँ, यहाँ पर पुलिस तैनात है, तमाम अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मीडियाकर्मी मौजूद हैं, और सभी को इस बात का इंतजार है कि राउस एवेन्यू में क्या कुछ निकल करके आता है, ईडी को कितने दिन की रिमांड मिलती है केजरीवाल की, क्योंकि केजरीवाल से काफ़ी कुछ जो जांच होनी है वो बाकी है, काफ़ी सवाल हैं जिनका पता लगना बाकी है, काफ़ी सवालों से पर्दा उठना बाकी है। के कविता के साथ क्या रिलेशन था, कब से वो कॉन्टैक्ट में आए, क्या उन्होंने वहाँ से डील किया, एक्चुअल में क्या डील हुई थी, कौन कौन लोग इस डील में क्रैक हुए थे, और वो कौन से लोग हैं जिनको इनका सीधे सीधे बेनिफिट मिला, और जो इन्होंने यहाँ पर लीकर के तौर पर लीकर किंग बन करके आए, जो यहाँ पर गरीबी दूर करने आए थे, राजधानी को पैरिस बनाने आए थे, उन्होंने रेस की राजधानी को शराब का माफिया बना दिया, शराब घर 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 में पहुँचा दी, तो वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रॉफिट था जो सीधे सीधे केजरीवाल लेना चाहते थे। भले ही उन्होंने कोई भी मंत्रालय नहीं लिया, कोई भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं रखी, लेकिन उनके अंडरशिप में ये सारा काम चल रहा था, वो लगातार मनीष सिसोदिया के टच में थे, और लगातार इन लोगों से उनकी मीटिंगें भी, ईडी के पास इन सब के भी सबूत हैं कि ये लगातार केजरीवाल जी के टच में थे, मुख्यमंत्री के टच में थे, तो मुख्यमंत्री क्यों उन बातों को छुपा रहे हैं, वो कौन सी बातें हैं जो बताना नहीं चाह रहे हैं। कुछ कागजात उनके घर से ईडी को मिले हैं और उनसे भी वो उनको भी आधार बना करके वो सवाल पूछना चाह रही है, तो उनके जो सवाल हैं जब तक उनके जवाब नहीं निकल आएंगे ईडी बिल्कुल नहीं शांत बैठेगी, क्योंकि ईडी को भी एक फुल प्रूफ रिकॉर्ड लेकर के जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उनसे पूछेगा कि आपने अगर केजरीवाल को अरेस्ट किया है, केजरीवाल तक पहुंचे, तो आपके पास कौन से वो सबूत थे जिनके आधार पर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि कल भी उन्होंने हाईकोर्ट में बताया कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, और उनके पास वो सबूत हैं जिनके जवाब केजरीवाल स्वयं ही दे सकते हैं, और उनसे उनके उन सवालों के जवाब केजरीवाल से ही वो लेना चाहती है। बिल्कुल मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि इस वक्त जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर अब काफ़ी लोग हैं क्योंकि सबकी नज़रें इस पूरे मामले पर लगी हुई हैं, लेकिन कल रात से जिस तरह से आप इसे कवर कर रहे हैं, सुबह हमने देखा कि जो आपका कार्यालय था वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, इसके अलावा जो विभिन्न स्टेटमेंट्स जो आम आदमी पार्टी के जो दफ्तर से आए उनको भी सबने देखा, उसे देखते हुए क्या लगता है जो आप हैं वो डिफेंसिव मोड में है? इसके साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस छवि को लेकर वो आए थे, उस छवि को कितना गहरा धक्का लगा है? हुँ?
बिल्कुल रमा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि वो नायक की भूमिका में आए थे। आपको याद होगा जब वो पहली बार आए विधानसभा में तो लोग उनको नायक कहने लगे। देश का मुख्यमंत्री अनिल कपूर की एक फिल्म थी, वो पूरा का पूरा रेप्लिका उनके ऊपर प्रदर्शित करके दिखाया गया कि वो क्या कुछ करके दिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन में अपने आप को जिस तरह से प्रोड्यूस किया था, दिखाया था कि वो कितने देश को लेकर के चिंतित हैं, राजधानी को लेकर के चिंतित हैं, वो आम लोगों को लेकर के चिंतित हैं। लेकिन जो उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने फ्री में चीज़ें बांटनी शुरू करी, तो कहीं ना कहीं वो देश की जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती रही, युवाओं को बिगाड़ने की कोशिश करती रही, और आज इसका नतीजा यह है कि वो खुद आबकारी नीति के घोटाले में है, उनके ऊपर स्कैम का मामला दर्ज हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर बीती रात से लेकर के अभी तक जो जर्नलिस्ट से वो लगातार यही रिपोर्ट कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी कौन कौन से वो बड़े सवाल है जिनका जवाब खुद केजरीवाल से जानना चाहती है, और केजरीवाल क्यों उन सवालों से बच रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो साफ साफ जवाब क्यों नहीं देते हैं, उसके लिए वो तीन तीन लॉयर लेकर के क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्यों वो लगातार बहाने बना करके नौ संबंध तक भागते रहे, बचते रहे, लगातार वो कभी कहते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आएंगे, कभी कहते थे कि मेरे लॉयर कोर्ट में जा चुके हैं। बात ठीक है, उन्होंने अपनी दलीलें दी, अपनी चीजें पेश करी कोर्ट में, लेकिन वो उन बड़े सवालों से क्यों भागते रहे और लगातार राजधानी की बदहाली जो है वो होती चली गई, उनको दिखाई क्यों नहीं दी। ईडी अब यहां पर है, यहां पर वो बीती रात भी थे, उन्होंने बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो सवाल उनसे पूछ रहे थे वो उनका सही सही जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए कोर्ट की तरफ गए वो और कोर्ट से उन्होंने रिमांड मांगी है। अगर उनकी उनको पीसी मिलती है तो वो उसके बाद यहां पर वो उन सवालों का जवाब लेंगे, और साथ ही रमा ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो बड़ा स्कैम था इसके पीछे केजरीवाल के साथ साथ वो बड़े कौन से जो प्रॉफिटिंग जो कैंडिडेट थे वो कौन कौन थे, कई लोगों के और नाम आ रहे हैं। और जो आपने कहा कि कल जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर थे, सौरभ भारद्वाज हों, आतिशी हों, वो बैकफुट पे कल से ही दिखाई दे रहे थे, वो कल खुद ही कह रहे थे केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, ईडी उनको गिरफ्तार करने आई है, तो यानी कहीं ना कहीं उनको पता था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है और ईडी उनको ले करके जाएगी जाएगी, और वो कल से ही बैकफुट में आए। रात में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सब जो है वो इलीगल तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, इलीगल तरीके से उनको लेकर के आए, लेकिन लगातार दूसरा पक्ष भी कह रहा है कि भाई उनके पास भी सबूत हैं, बिना कागजों के वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर नजर बनाए हुए, तो उन्हें भी कोर्ट में जाकर के अपनी चीजें पेश करनी है, तो खाली हाथ वो भी नहीं जाना चाहेंगे। ऐसे में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो बैकफुट पर दिख रही है, उनके लिए अब ये बड़ा फैसला होगा कि केजरीवाल के बाद कौन होगा उनका मुख्यमंत्री अगर केजरीवाल जेल जाते हैं। वो दूसरी तरफ कह रहे केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल से तो सरकार नहीं चलती, जेल से तो फिर गैंग ही चले हैं, जो हमने देखा है सरकारें तो देश की जनता के बीच में रह करके चलती हैं, तो कैसे चलाएंगे वो जेल से सरकार। बिल्कुल, हमारे साथ कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं, और कुमार आलोक आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से मुकेश ने पूरे विस्तार से बताया है कि जो एक वो छवि लेकर आए थे, खुद ही उस छवि को उन्होंने तगड़ा झटका दिया है, लोग आज ठगा भी अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस पूरे मामले में जो एक विक्टिम कार्ड भी प्ले किया गया है, जो कहा जा रहा है आपके द्वारा, और उसमें विभिन्न जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनका भी वो सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले लोगों ने, जो कांग्रेस है जिस तरह से हम बात करें, उन्होंने इसी शराब नीति का विरोध किया और फिर इसी शराब नीति के मामले में ही वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ जाते हैं, क्या कुछ देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इसी मामले के बहाने जो इंडी गठबंधन है वो अपनी जो दरकती हुई जमीन है उसको भी संभालने की कहीं कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजय माकन या कांग्रेस के जो नेता हैं, जब शराब घोटाले का उजागर हुआ था तो उस समय ये इन्होंने विरोध ही नहीं किया था, बल्कि जाके पुलिस केस किया था और कई सौ पन्ने का वो आरोप इन पर लगाया था कि किस तरीके से किंग अरविंद केजरीवाल जो किंग पिन उनको बताया था इस घोटाले का, और तमाम परत दर परत सारी चीजें उन्होंने कांग्रेस ने रखी थी। इंडी गठबंधन की बात करें, सीताराम येचुरी की तरफ से आज प्रेस रिलीज आया है जिसमें कि सीधा सीधा आरोप भाजपा पर लगाया गया है कि विपक्षी पार्टियों को तंग करने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा, ताकि वो चुनाव में इस चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा सके। उधर सीपीआई का भी आया है, इसी तरीके का बयान आया है, अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के, उनका भी इसी तरीके का बयान आया है। तो इंडी गठबंधन जो बनने से पहले ही बिगड़ गया था, आप जानते होंगे नीतीश कुमार उसके अगुवा थे, नीतीश कुमार ने पूरे विपक्षी दलों के नेताओं को इकट्ठा किया और उसके बाद हश्र ये हुआ कि नीतीश कुमार खुद ही इंडी गठबंधन को छोड़ के चले गए। मैं अभी जानना चाहूंगा लेटेस्ट धीरज क्या हो रहा है वहां पर, कब तक आ जाएगा ये फैसला कोर्ट का, और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कोर्ट के सामने? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से तीन वकील ने अपना पक्ष रखा है। सबसे पहले
अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखा, उसके बाद विक्रम चौधरी और तीसरा वकील रमेश गुप्ता ने, तीन वकीलों ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी बात रखी है। अब इसके बाद ये मामला जाता है कोर्ट के पास। ईडी ने पहले ही कोर्ट को कह रखा था कि अंतिम फैसला सुनाने से पहले, जो समन का फैसला है, अंतिम फैसला सुनाने से पहले एक बार ईडी के बयान को जरूर दर्ज करें और ईडी की बात को जरूर, ईडी के पक्ष को आप जरूर रखें। जी धीरज, दोनों पक्षों ने अपनी बात रख दी है, फिलहाल फैसले का इंतजार है, नजर बनाए रखें। फिलहाल कुमार आलोक आपका, धीरज आपका, मुकेश शुक्ला आपका शुक्रिया करना चाहेंगे तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित किया जाए। मदरसों की जाँच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जाँच कर रही है। याची अंशुमन सिंह राठौर और अन्य ने याचिका दाखिल कर एक्ट को चुनौती दी थी। एमिकस क्यूरी, अकबर अहमद और अन्य अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट असंवैधानिक करार देने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की उन्होंने बात कही। मदरसा उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के सिलसिले में जो फैसला आया है, इसमें हम सबके सामने ऑप्शन मौजूद है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में इंसाफ मिलेगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।